नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, आप सबों का आपके YouTube चैनल अद्भुत भारत दर्शन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता के गंगा नदी के किनारे में स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर में छिपा अद्भुत रहस्य के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से अनुरोध की पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में एक बार जरूर लिखें जय माँ तारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि यदि आप कोलकाता जाते और आप काली घाट के दर्शन कर दक्षिणेश्वर न जाएं, तो आपके दर्शन अधूरा माना जाता है। आखिर क्यों खंडित मूर्ति की यहाँ की जाती है पूजा? आखिर कैसे हुई दक्षिणेश्वर में माँ काली की मूर्ति स्थापना और आखिर किस तरह एक सपना से स्थापना किया गया दक्षिणेश्वर का विशाल मंदिर, जानने के लिए पूरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सनातन धर्म में मंदिरों की परंपरा काफी पुरानी है। भारत धर्म भक्ति अध्यात्म और साधना का देश है। यहाँ अति प्राचीन समय से पूजा स्थल के रूप में मंदिर का विशेष महत्व रहा है। ऐसे में देश में आज लाखों करोड़ों मंदिर हैं। भारत में बने इन मंदिरों में कई मंदिर आज भी रहस्य बने हुए हैं। दरअसल इनका रहस्य आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझी पहेली है, यानी ये मंदिर समझ से परे हैं। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे जहाँ श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर में खुदकुशी करने वाले पंडित की जान बचाने खुद काली माँ प्रकट हो गई। इस मंदिर को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर बनने का रहस्य। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का बहुत बड़ा इतिहास है और कई मान्यताएं भी है। 1847 ईस्वी की बात है, जब देश में अंग्रेजों का शासन था। पश्चिम बंगाल में रानी रासमनी नाम की एक बहुत ही अमीर विधवा थी। उनके जीवन में सब कुछ था मगर पति का सुख नहीं था। रानी रासमनी जब उम्र के चौथे पड़ाव पर आई तो उनके मन में सभी तीर्थों के दर्शन करने का ख्याल आया। रानी रासमनी की देवी माता में बहुत बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने सोचा कि वह अपनी तीर्थ यात्रा की शुरुआत वाराणसी से करेंगी और वहीं रहकर देवी का कुछ दिनों तक ध्यान करेंगी। रानी रासमनी के जाने से ठीक एक रात पहले उनके साथ एक अजीब घटना घटी। उन्हें रात में एक सपना आया। कहा जाता है उनके सपने में देवी काली प्रकट हुई और उनसे कहा कि हे देवी, तुम्हें वाराणसी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गंगा के किनारे मेरी प्रतिमा को स्थापित करो, एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराओ। मैं उस मंदिर की प्रतिमा में खुद प्रकट होकर श्रद्धालुओं की पूजा को स्वीकार करूंगी। तुरंत ही यह सपना देखकर रानी की आंख खुली। उस सपने के बाद उन्होंने वाराणसी जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और गंगा के किनारे माँ काली के मंदिर के लिए जगह खोजना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जब रानी इस घाट पर गंगा के किनारे जगह की तलाश करने आई तो उनके अंदर से एक आवाज आई कि हाँ, इसी जगह पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मंदिर बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया। 1847 में शुरू हुआ मंदिर का काम 1855 में पूरा हुआ। इस मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस को माँ काली साक्षात दर्शन दी थी। इस बारे में कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को विश्वास था कि कठोर साधना से माँ काली का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस कारण इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ माँ काली की पूजा अर्चना किया करते थे। इनकी भक्ति को देखते हुए इन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर का पुजारी बनाया गया। कहते हैं कि 20 वर्ष की आयु में रामकृष्ण परमहंस ने अपनी अनवरत साधना के बल पर माँ काली के साक्षात दर्शन किए। रामकृष्ण परमहंस भूखे प्यासे सिर्फ माँ काली को निहारते रहते थे और भीतर ही भीतर यह सोचते रहते कि कब उनकी आराध्या उन्हें दर्शन देंगी। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सामने रोते रहते जैसे कोई बालक अपनी माँ से बिछड़ गया हो। वह अपनी आराध्या से बस यही कहते रहते थे कि वे उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाएं, उन्हें दर्शन दें। मंदिर में उपस्थित अन्य लोग उन्हें पागल तक समझ बैठे थे। अपनी माँ से दूर रहते हुए परमहंस बेहद निराश और हताश हो चुके थे। वह काली माँ के चरणों में बैठकर खड़ग से अपना सिर काटने ही वाले थे कि स्वयं माँ काली ने उनका हाथ पकड़ उन्हें रोक दिया। उस दिन के बाद जब तक वह जीवित रहे तब तक माँ काली उनकी अपनी माता और सखा के तौर पर उनके साथ रही। आखिर क्यों की जाती है
खंडित मूर्ति की पूजा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रांगण में माँ काली के अलावा शिव और कृष्ण की मंदिर भी है, जहाँ एक ओर सामान्य मान्यता के अनुसार घरों में खंडित मूर्ति रखना अशुभ माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण को समर्पित राधा गोविंद मंदिर में कृष्ण की खंडित मूर्ति की ही पूजा की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। एक बार की बात है, मंदिर बनकर तैयार था। जन्माष्टमी के अगले दिन राधा गोविंद मंदिर में नंदोत्सव की धूम थी। दोपहर की आरती और भोग के पश्चात कृष्ण को उनके शयन कक्ष में ले जाते समय कृष्ण की मूर्ति धरती पर गिर गई, जिसकी वजह से उनका पांव टूट गया। सभी के लिए ये अमंगल का क्षण था। सभी भक्तजन इसी पशुपेश में थे कि उनसे ऐसा क्या अपराध हुआ है जो कृष्ण उनसे नाराज हो गए हैं। वह आने वाले प्रकोप से भयभीत थे। रानी रासमणी भी बेहद चिंतित थी। उन्होंने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और उनसे विचार विमर्श किया कि इस खंडित मूर्ति का क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने यह सुझाव दिया कि इस मूर्ति को जल में प्रवाहित कर इसके स्थान पर नई मूर्ति को विराजित किया जाए, लेकिन रासमणी को ब्राह्मणों का यह सुझाव पसंद नहीं आया। अंततः वह रामकृष्ण परमहंस के पास गई, जिनके भीतर उनकी गहरी आस्था थी। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे जो कहा वह अद्भुत था। रामकृष्ण का कहना था कि जब घर का कोई सदस्य विकलांग हो जाता है या माता पिता में से किसी एक को चोट लग जाती है, तो क्या उन्हें त्याग कर नया सदस्य लाया जाता? नहीं, बल्कि उनकी सेवा की जाती है। बस फिर क्या था, रासमणी को परमहंस का यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने निश्चय किया कि मंदिर में कृष्ण की इसी मूर्ति की पूजा की जाएगी और साथ ही उनकी देखभाल भी होगी। आप सबों से अनुरोध होगा कि भक्ति करें तो पूरी श्रद्धा व विश्वास से करें। माँ तारा आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। क्या आपने दक्षिणेश्वर मंदिर के दर्शन किए हैं? नीचे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। साथ में आप ये भी लिखेंगे कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो की लाइक करें, अपने दोस्तों से साथ शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। धन्यवाद। जय माँ तारा।